गोल्ड स्प्रे कैसे करते हैं दोस्तों, ये एकदम ध्यान से देखिए इस वीडियो को। हम लोग ने पूरा डिटेल में इस वीडियो को कवर किया है, ए टू जेड आपको चीजें समझ में आ जाएगी और इसके बाद आप काम शुरू कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम लोग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहे हैं स्प्रे गोल्ड में। स्प्रे में आपने देखा रहेगा कि स्प्रे करते कैसे हैं, बट बहुत प्रॉब्लम्स आती है स्प्रे करने में, छोटी मोटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसकी वजह से हम लोग इस वीडियो को शूट कर रहे हैं कि इसके अंदर हम लोग आपको स्टार्ट टू एंड सब प्रोसेस बताएंगे कि एक स्प्रे का केमिकल कैसे करना है, मशीन कॉम्प्रेसर का जो रहता है उसको कैसे यूज करना है, और स्प्रे का जो गन है उसको किस तरीके से चलाना है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के साथ पूरा बने रहिए, हम लोग वीडियो को एकदम प्रॉपरली शूट करेंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग वीडियो को शुरू करेंगे स्प्रे गोल्ड का। स्प्रे गोल्ड में आपको तीन चीज बहुत जरूरी है, कंप्रेसर की मशीन, एक स्प्रे का गन और एक मॉइस्चर फिल्टर पंप। जी हाँ दोस्तों, अभी हम लोग आपको बताएंगे कि तीन चीज होती क्या एग्जैक्टली। ये अपनी कंप्रेसर की मशीन है दोस्तों, ये मशीन आपको खरीदना है, ये ऑल ओवर इंडिया मिलता है, हम लोग भी इसको सेल करते हैं, इसको कंप्रेसर मशीन बोलते हैं। फिर ये स्प्रे का गन होता है दोस्तों, ये स्प्रे गन हो गया, ये स्प्रे गन एक लगता है आपको, और तीसरा जो चीज होता है दोस्तों ये मॉइस्चर फिल्टर पंप लगता है। तो ये क्या करता है दोस्तों, ये मॉइस्चर फिल्टर पंप इसलिए लगाते हैं कि जब भी आप मशीन को यूज़ करते हो तो इसके अंदर मॉइस्चर पार्टिकल्स, पानी वगैरह सब बनता है। तो ये क्या है, सक्शन कर लेता है नीचे, अगर कुछ भी पानी वगैरह अगर आपके पाइप में से पास होगा तो इसको सक्शन करके नीचे कर लेगा, सिर्फ आपके पाइप में या गन में से सिर्फ प्रॉपर एयर फ्लो होगा, हवा बाहर आएगा, पानी बाहर नहीं आएगा। तो अभी हम लोग कंप्रेसर मशीन को शुरू करेंगे दोस्तों। कंप्रेसर मशीन ये हमारा ऑटोमेटिक मशीन है, डबल हेड का, और सिंपल प्रोसेस ये बटन आपको सीखना है, आपकी मशीन चालू हो जाती है। सबसे पहले आपको मशीन को पूरा भरने देना है। ये देखिए, ये अपना 90 PSI के प्रेशर तक मशीन का कैपेसिटी है। तो जैसे ये ऑटोमेटिक ऊपर आएगा 80 टू 90 के बीच में मशीन अपने आप बंद हो जाएगा। तो आपको सबसे पहला एक चीज़ करना है कि जब भी आप फर्स्ट टाइम मशीन को यूज़ करते हो दोस्तों, सुबह सुबह फर्स्ट टाइम आपको मशीन का टंकी एकदम पूरा प्रेशर से भरना है और मशीन को नीचे से डिस्चार्ज कर देना है। मतलब उसका नोजल रहता है, वो नोजल जैसे आप खोलोगे तो जितना पानी वगैरह रहेगा वो सब गन में से और मशीन में से जो जो पाइप में भी है पानी वगैरह वो सब क्लियर हो जाए। अभी हम लोग एक सैंपल करके दिखाएंगे। अभी दोस्तों देखिए, ये टिश्यू पेपर है तो टिश्यू पेपर पे प्रेशर जितना आएगा आपको पता चल जाएगा। आप लोग ने देखा दोस्तों कि फर्स्ट टाइम सबसे इम्पोर्टेंट पहला प्रोसेस होता है कि मशीन का टंकी का जो पूरा प्रेशर है वो आपको पूरा फिल करना है अच्छे से, और उसके बाद में आपको इसको नीचे से ओपन कर देना नोजल। उससे क्या होगा, जो भी धूल मिट्टी पानी वगैरह है अंदर, पार्टिकल्स है, वो पूरा का पूरा ड्रेन आउट हो जाएगा। तो आपका कंप्रेसर मशीन का जो प्रेशर रहेगा, स्प्रे रहेगा, बहुत अच्छी तरीके से होगा। तो अभी हम लोग आपको, जैसे हमने बताया है कि आपको कंप्रेसर मशीन एक बार हाई प्रेशर पे चालू करके इसको जितना भी ये डिस्चार्ज वगैरह एकदम प्रॉपरली करना है। दूसरा, आप जब स्प्रे गन यूज़ करते हो दोस्तों, तो स्प्रे गन आपकी अच्छी क्वालिटी की हो, उसमें फ्लो वगैरह अच्छा हो, आपकी उसमें जो हवा वगैरह एकदम प्रॉपरली निकले, जो अपने को पता चले, इस तरीके से आपको स्प्रे गन लेना है जिसके अंदर प्रेशर अच्छा रहे। और आपको मॉइस्चर फिल्टर पंप भी आपको लगाना है, अगर आप ये नहीं लगाओगे तो आपके पीस के ऊपर पानी के छोटे छोटे दाग बहुत सारे आएंगे, उसकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम होगा उसको निकालने में। तो जितना हो सके एक अच्छा गन, अच्छा कंप्रेसर मशीन और एक अच्छा मॉइस्चर फिल्टर पंप, ये तीन चीज़ आपको हमेशा लगाना है, इसमें आपका एकदम परफेक्ट काम होगा। तो अभी हम लोग आपको दिखाएंगे दोस्तों कि ये हमारा स्टील पे गोल्ड करने का केमिकल है दोस्तों। ये 1 लीटर का पैकिंग आता है बना हुआ, आपको इसमें से 90 ml सॉल्यूशन लेना है और ये इसका हार्डनर होता है, इसमें से आपको 10 ml सॉल्यूशन लेना है। आपको हम लोग इस सॉल्यूशन के साथ में इसका नापने वाला बीकर भी देते हैं, तो इसके अंदर सब मेजरमेंट लिखा हुआ है। सबसे पहले अभी हम लोग इसमें से 90 ml सॉल्यूशन लेंगे, आपको बीकर के अंदर प्रॉपरली देख के करना है ये चीज़, 90 ml सॉल्यूशन प्रॉपर लेना है। और इसके बाद में अभी इसके अंदर हम लोग 10 ml ये हार्डनर डालेंगे। हार्डनर इसके लिए डालते हैं दोस्तों, अगर आप हार्डनर नहीं डालोगे तो आपके पीस का जो लाइफ है, जो चमक है, वो बहुत जल्दी उतर जाएगा, फिर प्रॉब्लम आएगा और हार्डनेस नहीं आएगा पीस में। और ये अभी हम लोग 10 ml डालेंगे। तो अभी हम लोग ने 90 ml सॉल्यूशन ले लिया है, 10 ml हार्डनर ले लिया है। अभी इस सॉल्यूशन को हम लोग डायरेक्टली स्प्रे गन में डालेंगे और फिर डालने के बाद में आप डायरेक्टली स्प्रे का काम अपना शुरू कर सकते हो। आपको ये ढक्कन अच्छी तरीके से लगाना है, क्योंकि अगर आप ये नहीं लगाओगे तो ये इसका जो प्रेशर है ये पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा और आपका पीस ख़राब हो जाएगा।
अभी देखिए दोस्तों, अभी हमारा केमिकल बन चुका है, मशीन का मैंने आपको बता दिया, स्प्रे गन के बारे में बता दिया और आपको मॉइस्चर फिल्टर पंप के बारे में। अभी हम लोग ने अपना सॉल्यूशन इसमें डाला है और अभी हम लोग आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से स्प्रे होता है। तो ये अभी हमारा सैंपल पीस है दोस्तों, इसके ऊपर हम लोग करके दिखाएंगे कि ये स्टील का है 304 ग्रेड का। आपको ध्यान रखना है, जो भी पीस के ऊपर आप स्प्रे करते हो तो आपके पीस पे चमक पॉलिश बहुत ही अच्छा होना चाहिए दोस्तों। अगर आपके पीस में चमक नहीं रहेगा, फिनिशिंग अच्छा नहीं रहेगा, तो फिर चीज बिगड़ जाएगा, फिर आपको मजा नहीं आएगा उसमें। तो दोस्तों देखिए, अभी हमारा स्प्रे गन भी रेडी हो गया है, हमारा पीस भी रेडी हो गया है। तो सबसे पहले हम लोग पीस के ऊपर स्प्रे करेंगे। तो जब भी आप स्प्रे करते हो दोस्तों, तो सबको आपको एक टाइम पे एकदम हाई प्रेशर पे गन नहीं चलाना है। आपको जो गन चलाना है, ब्रेक दे के चलाना है। मतलब कैसा है कि अभी हम लोग स्प्रे करके दिखाएंगे, पहले पीस को हम लोग मैट करेंगे। मैट करने का रीजन क्या है दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट स्प्रे गन पे एकदम ग्लॉसी फिनिश दे देंगे तो फिर फिनिशिंग आपका बिगड़ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मैट फिनिश देंगे। ये देखिए, पीस को पूरा पूरा मैट करना है। और जब भी आप गन को यूज करते हो तो आपका ये जो पाइप है, पाइप से आधा फुट बाहर और आधा फुट ऊपर से बाहर, इतना आपका होना चाहिए कम से कम। अगर आप ये बॉर्डर पे डायरेक्ट पीस पे स्प्रे करोगे तो आपका फिनिशिंग भी बिगड़ जाएगा। अभी देखिए दोस्तों, ये अभी हमारा मैट फिनिश हो चुका है। हम लोग ने क्या किया है, पूरे के पूरे हाई प्रेशर पे इसको स्प्रे किया है, जिसकी वजह से इसका जो पूरा चमक था दोस्तों, वो पूरा चला गया है। अब हम लोग इस गन से हाई प्रेशर पे फिर से इसको स्प्रे करेंगे, जिसके अंदर आपको गोल्ड का कलर आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको पीस का चमक हटाना है ये स्प्रे गन से। हाई प्रेशर पे मारिए, बट ज़्यादा दबा के मत मारिए। अगर गन को ज़्यादा दबा के मारोगे तो केमिकल ज़्यादा आएगा, उससे फिर आपके पीस पे कलर आ जाएगा, फिर कहीं कम कहीं ज़्यादा दिखेगा। इसके लिए हम लोग ने क्या किया, कम दबाया है इस तरीके से और फिर इसके ऊपर स्प्रे किया, तो इससे इसमें मैट फिनिश आ गया। अभी हम लोग इस पर गोल्ड करके दिखाएंगे। हाई प्रेशर पे ही आपको स्प्रे करना है दोस्तों। स्प्रे का काम हो चुका है, अभी हम लोग इस पर हल्का सा हीट देंगे। हीट देने के लिए हम लोग ने ये गन खरीदा है दोस्तों। ये आपको मार्केट में हार्डवेयर की दुकान में 700-800 रुपए का मिल जाता है। ये इससे हीट देने का फायदा ये होता है कि आपका पीस जो है उसका कलर जल्द से जल्द सूखता है और फिनिशिंग वगैरह अच्छा आता है। आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम लोग इसको हीट दे रहे हैं, तो यही सेम प्रोसेस से आपको इस पर हीट देना है दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग ने देखा कि किस तरीके से ये स्टील के पाइप को हम लोग ने गोल्ड का फिनिश दे दिया है। तो हम लोग ने आपको स्टार्ट टू एंड पूरा प्रोसेस बताया है। आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है, हमसे केमिकल मंगा के स्प्रे मशीन में डालना है और इस तरीके से स्टील के बिजनेस में उतरना है। क्योंकि क्या हो रहा है ना दोस्तों, पीवीडी की जो मशीन आती है दोस्तों, वो कम से कम 4 से 5 करोड़ की आती है प्रॉपर मशीन। तो इतना महंगा इन्वेस्टमेंट करना आज के मार्केट में बहुत रिस्की होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे चेंज होगा फिर वो पीवीडी का मार्केट भी खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग ने ये सब चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद हम लोग ने स्प्रे का केमिकल बनाया है, जो बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस है। आपको ये बोतल हमसे खरीदना है, स्प्रे गन में डालना है और डायरेक्टली स्प्रे करना है। जैसे आप स्टील पे स्प्रे करोगे तो आपके सामने, जैसे हम लोग ने पीस करके दिखाया है ये गोल्ड का, इस तरीके से आपके पास गोल्ड का फिनिश आता है दोस्तों। आप देख सकते हो कि कितना एकदम प्रीमियम क्वालिटी का चीज़ लगा है। ये प्लेन स्टील एकदम नॉर्मल लगता था, अभी इसमें एकदम प्रॉपर फिनिश आ गया है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए दोस्तों, बहुत जल्दी हम लोग एक नया वीडियो लेके आएंगे और उसके अंदर आपको कुछ नई चीज़ बताएंगे। थैंक यू दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के बाद दोस्तों, आपको ये पता चल गया होगा कि ये कितना सिंपल और इजी प्रोसेस है। सिर्फ केमिकल मंगाना है, स्प्रे गन मशीन में डालना है और डायरेक्टली स्प्रे करना है। जी हाँ दोस्तों, इस तेजी से बढ़ने वाले बिजनेस के साथ जुड़ी है, क्योंकि ये इंडिया में बहुत ही बड़े डिमांड पे चल रहा है, क्योंकि हर घर में लोगों को स्टील के ऊपर गोल्ड, रोज गोल्ड और ब्लैक फिनिश चाहिए। तो दोस्तों, आप हमसे जुड़कर इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए अपने शहर में और एक अच्छा खासा मुनाफा कमाइए। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू, आप लोग ने बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखा है। कोई भी अगर क्वेरी है तो हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए।